Hi guys, this is Padmini and you are watching our channel The Zingaat Girl. I hope you guys are doing absolutely fine. आज का जो वीडियो है काफी ज़्यादा amazing होने वाला है because I'm gonna share my first flight experience with you all. So अभी बज रहे हैं कुछ 6:15 in the morning. मैं जल्दी निकल रही हूँ. फ्लाइट जो है वो कुछ 10 बजे की है अराउंड, तो वो जल्दी निकल रही हूँ ताकि मैं प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ लूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और मुझे ऑब्वियसली शूट वगैरह व्लॉग करना है तो मुझे जल्दी पहुँचना ही होगा. तो चलिए चलते हैं, लेट्स बिगिन आवर जर्नी. So Bhakti Auto for the airport. So stay tuned in if you want to know about how to travel first time to the flight. So guys, reached at the airport. Let's get into the process of check-in. हो गई है चेकिंग. आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चेकिंग होती है. तो काफ़ी टाइम लगता है चेकिंग के लिए, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी देर जल्दी आना पड़ता है. अभी मैं हूँ एयरपोर्ट के अंदर वाले एरिया में, तो काफ़ी टाइम है मेरे लिए मेरे पास. तो आई एम जस्ट लाइक यहाँ पे बस एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं चीज़ें. तो अगर आप देखो यहाँ पे, इट्स रियली लुकिंग नाइस. आई मीन बचपन में हम लोग देखा करते थे किस तरीके से प्लेन ऊपर से उड़ती है एंड इट्स लाइक नाउ I'm gonna get into it. तो इट्स रियली अ फन एक्सपीरियंस. काफ़ी अच्छा लग रहा है. थोड़ी बहुत बटरफ्लाइज हो रही है स्टमक में. लेट्स सी हाउ इट गोज़. दिस इज़ ट्रूली वेस्ट बिकॉज जो नया ऑब्वियसली आएगा वो ठीक तरीके से पी नहीं पाएगा जिसका ये फर्स्ट टाइम रहेगा, और जिस तरीके से पूरा वेस्ट हो जाएगा एंड प्लस आपका मेकअप भी ख़राब हो सकता है इससे. सो गाइस, दिस इज़ माय एयरपोर्ट लुक. आई एम वेयरिंग दिस जर्सी लाइक जैकेट और हॉट शर्ट से एंड आई गॉट दिस क्यूट एंड सुपर फैब वाला बूट्स फ्रॉम हाइपेसिटी. सो यू गाइस शुड ट्राई फ्रॉम हाइपेसिटी. बूट्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पर. आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो आप लोगों को याद रखने हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट के वक्त. जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो बेसिकली ये है कि बुकिंग जब आप करोगे तो एटलीस्ट 15 डेज़ 20 डेज़ पहले आप कीजिए ताकि आपको अच्छे ऑफर्स मिल सके. और जितना हो सकेगा कंपेयर ज़रूर कीजिएगा ऑनलाइन कि कौन सा अच्छे आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं एंड देन गो फॉर इट. तो गाइस, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है. फर्स्ट चेकिंग एंट्रेंस पे विद योर फोटो आईडी प्रूफ एंड योर ई टिकट इफ़ यू हैव और इल्स द प्रिंट आउट. एंड मीनवाइल आप बोर्डिंग पास भी वहाँ पे निकाल सकते हो. मुझे अपनी बोर्डिंग पास मिल गई थी. लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज़ हाउ द बोर्डिंग पास लुक्स लाइक. आपको इसमें चेक करना है आपकी डेट, जर्नी एंड द सीट नंबर विच यू हैव चूजन वाइल ऑनलाइन. आप ऑनलाइन आपके सीट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो. एक चीज़ है कि आपको अगर विंडो सीट चाहिए तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. सो इट्स अबाउट 200 और 250 विच आई पेड फॉर इन विंडो सीट सो दैट मैं अच्छा कुछ लोकेशन जो है वो शूट कर सकूं. एंड ऑब्वियसली बाकी जो एयरलाइंस यानी कि जो भी गवर्नमेंट एयरलाइंस है उसमें आपको पे करना नहीं पड़ता है फॉर विंडो सीट्स, बट हाँ प्राइवेट एयरलाइंस के लिए आपको पे करना पड़ता है. उसके बाद में यू विल गेट इन. आपका लगेज आपको सबमिट करना है. वहाँ पे आपको आपके लगेज की डिटेल्स यानी कि कितने नंबर ऑफ बैगेज है वो आपको देखना है. आप सिर्फ 15 kg बैग जो है वो कैरी कर सकते हो. उससे ज़्यादा इनकेस आप कैरी कर रहे हो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा. और हैंड बैग में इट इज़ 7 kg एंड पर पर्सन आप एक हैंड बैग जो है वो कैरी कर सकते हो. और आपकी हैंड बैग में आपको लैपटॉप यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वो आपको आपके हैंड बैग में रखनी है, ना कि आपको लगेज में रखना है. सो बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो लगेज में नहीं रखना है क्योंकि वो किस तरीके से आपके लगेज को लेके जाते हैं वो नो आइडिया अबाउट इट. मैंने नया बैग लिया था. आई डोंट नो उसकी क्या हालत रही होगी. पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथी प्रोसेस होगा या फिर काफ़ी हार्ड होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा टाइप मुझे ऐसा लगता था. लेकिन आई वुड रियली से कि काफ़ी इजी प्रोसेस था, इतना कुछ टेंशन वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है मुंबई की, बोलना पड़ेगा। एंड द एयरपोर्ट इज़ माय गॉड, इट्स जस्ट ऑसम, इतना बड़ा है। आई एम एट द लास्ट लेन ऑफ द एयरपोर्ट एंड इसके आगे काफ़ी है पूरा एकदम। Got this 150 का सैंडविच एंड 60 रुपीज़ का पानी का बॉटल। So guys, boarding time, that's our thing. So I'm flying through GoAir. Contact up during the flight in case you have any requirements. Expected route weather to be clear and दीजिए, अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी खिड़की के पर्दे को खुले रखें। उड़ान लेते समय कैबिन की बत्तियां मध्यम की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो। May we have your attention please? The aircraft is now ready for takeoff. नमस्कार, गोएयर की उड़ान G8 जस्ट फॉलो करना है बैगेज के जो साइंस है उनको, और आपके जो भी बैगेज है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। आसपास में बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे, तो आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो गाइस, वेलकम टू इंडियाज़ कैपिटल दिल्ली। तो मैं पहुंच गई थी सुबह में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फ्लाइट का। इट वाज अ लॉट लाइक फन, तो बहुत अच्छा था। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ 2 या 3 दिन, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ एक्सप्लोर करूँगी। So stay tuning, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. So till then, eat good, stay fit, spread love, spread peace. Bye bye. Fan hu baby tera, laga hu piche, tum challe bhi tarah, chahe kitna bhi daant chode na.